परिचय। नमस्ते पिताजी। माँ ने मुझसे ये गोली आपको देने के लिए कहा और इसे लेने के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है, लाओ इसे मुझे दे दो। पिताजी, यह गोली आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है? ये गोली मेरे शरीर को ताकत देती है और इसे खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। पिताजी, यह गोली किस चीज की बनी है? रोहित, ये संपूरक गोलियां हैं और इस गोली में लैक्टिक बैक्टीरिया यानी जीवाणु का प्रयोग किया गया है जो मेरे शरीर को ताकत देता है। पिताजी, बैक्टीरिया क्या है? बेटा, ये एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। वे हर जगह मौजूद हैं, जैसे कि हमारे भोजन में और वायु में आदि। वाह, ये तो काफी रोचक है पिताजी। क्या तुम और अधिक जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। इस पाठ में आप जानेंगे कि सूक्ष्म जीव मानव जीवन में किस प्रकार सहायक हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। व्याख्या करना कि सूक्ष्म जीव हर जगह उपस्थित हैं। औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों से प्राप्त उत्पादों की व्याख्या करना। सूक्ष्म जीवों की सहायता से वाहित मल उपचार की व्याख्या करना। सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायोगैस के उत्पादन की व्याख्या करना। जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीवों को जानना और जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीवों को समझना। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देते, जबकि उनकी पृथ्वी पर अधिकता है। वे हर जगह रहते हैं, वायु, मृदा, चट्टान और जल में। ये सूक्ष्म जीव पादपों और जंतुओं के साथ साथ मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मानवों, पादपों और जंतुओं में रोग फैलाते हैं, जबकि कुछ अन्य एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं और हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। अधिकांश सूक्ष्म जीव चार प्रमुख समूहों में से किसी न किसी एक से संबंधित होते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, खट्टी गोभी का उत्पादन कटी हुई गोभी के भीतर ल्यूकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज द्वारा किया जाता है। अचार बनाने के लिए खीरों को इन्हीं सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित किया जाता है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग पेयों, प्रतिजैविकों और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने में होता है। औद्योगिक पैमाने पर हमें बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें बड़े पात्रों में पैदा किया जाता है, जिन्हें फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। किण्वित पेय। यीस्ट, स्कैरोमाइसीज, सेरिबीसी सभी एल्कोहलीय पेयों के लिए आवश्यक हैं। ये एक जीवित चीज है। आपके किण्वित पात्र में अरबों कोशिकाएं, सभी भूखे सूक्ष्म जीव जो शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में बदल देते हैं। यीस्ट के अलग अलग प्रकार भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की आदि। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रतिजैविक एक ऐसी दवा है जो जीवाणु को मारती है या इसकी वृद्धि को कम करती है। प्रतिजैविक प्रति सूक्ष्म जीवियों की एक श्रेणी है, एक बड़ा समूह जिसमें प्रति विषाणु, प्रति कवक और प्रति परजीवी दवाएं शामिल हैं। वे परपोषी के लिए अपेक्षाकृत हानि रहित हैं और इसलिए संक्रमण के उपचार हेतु उनका उपयोग किया जा सकता है।
पेनिसिलिन की क्रियाविधि। यह एक पदार्थ के उत्पादन को रोककर कार्य करता है जो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन बनाता है। इसका अर्थ है कि कोशिका विभाजित हुए या नई कोशिका भित्ति को विकसित किए बिना ही निरंतर रूप से वृद्धि करेगी, इसलिए भित्ति दुर्बल हो जाएगी और फलस्वरूप टूट जाएगी। रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। निम्नांकित तालिका कार्बनिक अम्लों और उनका उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों की एक सूची प्रदान करती है। एंजाइमों का उत्पादन सूक्ष्म जीवों लाइपेज, प्रोटीएजेज और पेक्टिनेजेज की सहायता से होता है। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो भोजन की वसाओं को तोड़ने में प्रयुक्त होता है ताकि उन्हें आंतों द्वारा अवशोषित किया जा सके। प्रोटीएजेज का आशय एंजाइमों के उस समूह से है जिसका उत्प्रेरकीय कार्य प्रोटीनों के पेप्टाइड बंधों को तोड़ना है। पेक्टिनेजेज एंजाइमों का एक ऐसा संग्रह है जो पेक्टिनों को तोड़ने में समर्थ है। पेक्टिन एक ऐसा पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को बनाए रखता है। जैव सक्रिय अणु। एक जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा निरोधक कारक है। माइलोटॉक्सिटी की जिसकी कमी इसे नॉन स्टेरॉयडल दवाओं में अनूठा बनाती है, प्रतिरक्षा निरोधन के लिए वर्तमान में जो दी जाती है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक द्वारा किया जा सकता है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव। नगरीय व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक द्रव्य तथा सूक्ष्मजीव होते हैं जिनमें से कई रोगजनक होते हैं और कुछ परपोषित होते हैं। प्रदूषण के बोझ को कम करने के लिए वाहित मल को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले इसका वाहित मल उपचार संयंत्रों में उपचार किया जाता है। उपचार में निम्न दो चरण शामिल हैं। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक वाहित मल के उपचार में व्यर्थ जल को मोटी रेत, कंकड़ों, कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्टों, वसीय पदार्थों आदि की अशुद्धियों से मुक्त किया जाता है। नगरीय व्यर्थ जल में बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं जैसे फटे पुराने कपड़े, डिब्बे, टिन आदि, जिन्हें स्क्रीन द्वारा हटा दिया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि इन वस्तुओं की उपस्थिति में संयंत्र के संवेदनशील भागों को नुकसान पहुंच सकता है। स्क्रीन के बाद एक ग्रिड चैम्बर होता है जिसका उपयोग रेत तथा अन्य भारी अकार्बनिकों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ग्रिड चैम्बर में इकट्ठा की गई सामग्री को निपटान के लिए एकत्र कर उसे थैलों में भर दिया जाता है। कुछ संयंत्र अवसादन चरण का उपयोग करते हैं जिसमें वाहित मल को बड़े बड़े टैंकों से गुजारा जाता है जिन्हें प्राथमिक विशुद्धक या प्राथमिक अवसादन टैंक कहते हैं। इन टैंकों में तैरते हुए सामग्री को अलग किया जाता है तथा सजातीय द्रव जैविक उपचार के लिए तैयार रहता है, जबकि स्लज को अलग से उपचार द्वारा हटाया जाता है। इसके बाद प्राथमिक अवसादन टैंकों से प्राप्त बहिस्राव को द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीयक उपचार या जैव उपचार। वाहित मल की जैविक सामग्री जैसे मानवीय अपशिष्ट, भोजन अपशिष्ट, साबुनों और डिटर्जेंट को अलग करने के लिए द्वितीयक वाहित मल जल उपचार विधि वायवीय जैव प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। इस विधि में जीवाणु और प्रोटोजोआ प्राकृतिक रूप से सड़ने योग्य विलय कार्बनिक अशुद्धियों को जीवाणु झुंड में बदल देते हैं। इससे बहिस्राव की बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटती है। बीओडी का आशय ऑक्सीजन की उस मात्रा से है जिसकी वायवीय सूक्ष्म जीवों को जल के एक नमूने में कार्बनिक द्रव्य को अवघटित करने के लिए आवश्यकता होती है।
जैसे कि जो वाहित मल द्वारा प्रदूषित होते हैं। इसका जल प्रदूषण की सीमा की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब बहिस्राव का बीओडी पर्याप्त रूप से घट जाता है तो बहिस्राव को अंतिम निसादन टैंकों से गुजारा जाता है, जहां जीवाणु झुंड अवसाद में परिवर्तित होता है। यह अवसाद सक्रियित आपंक कहलाता है। सक्रियित आपंक के छोटे से भाग को फिर से वापस वायवीय टैंक में पंप करते हैं, जो एक निवेश द्रव्य के रूप में कार्य करता है और अधिकांश भाग का उपयोग बायोगैस के उत्पादन में होता है। पुनः चक्रित जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस गैसों जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है का एक मिश्रण है, जिसका उत्पादन सूक्ष्म जीवीय गतिविधि द्वारा किया जाता है और जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। गोबर बायोगैस का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि गोबर में जीवाणुओं की संभावना दूसरों की तुलना में अधिक होती है। मीथेनोबैक्टीरियम, ये वो जीवाणु हैं जो पशुओं के रूमेन यानी उदर के एक भाग में पाए जाते हैं। रूमेन गाय के पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि मीथेनोबैक्टीरियम इसे दूसरे पशुओं से अलग करता है। हम मीथेनोबैक्टीरियम की उपस्थिति के कारण बायोगैस निर्माण में पशुओं के मल का प्रयोग करते हैं। मीथेनोबैक्टीरियम मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम बायोगैस संयंत्र देख सकते हैं। यह जीवाणु बायो अपशिष्ट को उपयोगी खाद में भी बदल सकता है। बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र एक ईंट और सीमेंट की अवसंरचना होती है, जिसमें निम्न पांच भाग होते हैं: मिश्रण टैंक, निवेश कक्ष, डाइजेस्टर, निर्गत कक्ष और ओवरफ्लो टैंक। क्रियाविधि। जैव द्रव्य के विविध रूपों को जल की बराबर मात्रा के साथ मिश्रण टैंक में मिलाया जाता है। ये कर्दम का निर्माण करता है। कर्दम को निवेश कक्ष के माध्यम से डाइजेस्टर में भरा जाता है। जब डाइजेस्टर आंशिक रूप से कर्दम द्वारा भर जाता है तो कर्दम को भरना रोककर संयंत्र को लगभग 2 माह के लिए अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है। इन 2 माह के दौरान कर्दम में उपस्थित अवायवीय जीवाणु जल की उपस्थिति में जैव द्रव्य को अपघटित या किण्वित करते हैं। अवायवीय किण्वन के फलस्वरूप बायोगैस का निर्माण होता है, जो डाइजेस्टर के गुंबद में एकत्र होने लगती है। जब अत्यधिक बायोगैस जमा हो जाती है तो बायोगैस बलों द्वारा आरोपित दाब से प्रयुक्त कर्दम निर्गत कक्ष में चली जाती है। निर्गत कक्ष से प्रयुक्त कर्दम ओवरफ्लो टैंक में पहुंचती है। प्रयुक्त कर्दम को मानवीय तरीके से ओवरफ्लो टैंक से निकाल लिया जाता है और इसका उपयोग पादपों के लिए खाद के रूप में किया जाता है। जब भी बायोगैस की आपूर्ति की जरूरत होती है, पाइपलाइनों के एक सिस्टम से जुड़े गैस वाल्व को खोल दिया जाता है। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण पीड़क जीवों की संख्या को विनियमित करने के लिए एक जीव का सोद्देश्य उपयोग है। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। विभिन्न परभक्षी कीटों या कणों या परजीवी पर्रों या सूत्र कृमियों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है, जो पीड़क को घातक जीवाणु वाली बीमारियों से संक्रमित कर देते हैं। ये खाने योग्य तथा सजावटी पादपों दोनों के लिए पीड़क नियंत्रण की एक सुरक्षित विधि है, जो सही दशाओं में उत्कृष्ट परिणाम दे सकती है। उदाहरण के लिए, बैसिलस थोरिनजिएंसिस एक ऐसा जीवाणु है जिसके बीजाणु कुछ कीटा लार्वा के लिए जहरीले होते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन अन्य कीटों के लिए हानि रहित हैं।
पादप रोगों का उपचार या नियंत्रण के लिए एक अन्य जैव नियंत्रण विकसित किया जा रहा है जो कवक ट्राइकोडर्मा है, जो मृदा तथा मूल पारिस्थितिक तंत्र में मुक्त जीवित होता है और कई पादप रोगों के विरुद्ध प्रभावी है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें जब बीज पादप की सतहों या मृदा पर छोड़ा जाता है तो ये राइजोस्फीयर या पादप के अग्रभाग में बस्ती बना लेते हैं तथा परपोषी पादप के लिए प्राथमिक पोषकों की आपूर्ति या उपलब्धता को बढ़ाकर वृद्धि का संवर्धन करते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कवक माइकोराइजा जीवों के तीन समूह हैं जिनका उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है। जीवाणु, उदाहरण के लिए राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम आदि। राइजोबियम एक मृदा में रहने वाला जीवाणु है जो लेग्यूम जड़ों में बस्ती बनाने में सक्षम है तथा ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सहजीवी रूप से स्थिर करता है। साइनोबैक्टीरिया, जलीय दशा में साइनोबैक्टीरिया वृद्धि करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं तथा वातावरण में एमिनो अम्ल, प्रोटीन और दूसरे वृद्धि प्रेरक पदार्थों को मुक्त करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण साइटोनेमा, नील हरित शैवाल, माइक्रोसिस्टेस आदि। कवक या माइकोराइजा, माइकोराइजा कवक के समूह होते हैं जो पादपों की जड़ों में वृद्धि करते हैं। वास्तव में ऐसे नवोद्भिद जिनमें माइकोराइजा वाले कवक होते हैं पौधारोपण के बाद अपनी जड़ों पर बेहतर तरीके से वृद्धि करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। कवकीय सहजीवी पादप से आश्रय और भोजन प्राप्त करते हैं, बदले में पादप कई प्रकार के लाभ अर्जित करता है जैसे कि फास्फोरस, लवणता का अवशोषण और सूखे के प्रति सहनशीलता, जल संतुलन को बनाए रखना तथा कुल मिलाकर पादप में वृद्धि और विकास करना। क्या आप जानते हैं, अनुसंधानकर्ताओं ने मुहासों से छुटकारा दिलाने के लिए एक स्किन वायरस तैयार किया है, एक ऐसे वायरस का उपयोग करना जो प्राकृतिक रूप से उस जीवाणु को अपना आहार बनाता है जो कील मुहासे पैदा करते हैं, एक ऐसा टूल प्रदान करना है जो मुहासे के शारीरिक और मानसिक भय से निजात दिलाता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं, वे इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देते, जबकि उनकी पृथ्वी पर अधिकता है। वे हर जगह रहते हैं, वायु, मृदा, चट्टान और जल में। अधिकांश सूक्ष्म जीव चार प्रमुख समूहों में से किसी न किसी एक से संबंधित होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग पेयों, प्रतिजैविकों और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने में होता है। पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंजाइमों का उत्पादन सूक्ष्म जीवों, लाइपेज, प्रोटीएजिज और पेक्टिनेजिज की सहायता से होता है। वाहितमल के उपचार में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव हैं। उपचार में दो चरण शामिल हैं, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल होती है, जिसका उत्पादन सूक्ष्म जीवीय गतिविधि द्वारा किया जाता है और जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस का उत्पादन बायोगैस संयंत्र में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र ईंट और सीमेंट की अवसंरचना होती है। इसमें निम्न पांच भाग होते हैं, मिश्रण टैंक, निवेश कक्ष, डाइजेस्टर, निर्गत कक्ष और ओवरफ्लो टैंक। जैव नियंत्रण पीड़क जीवों की संख्या को विनियमित करने के लिए एक जीव का
सोद्देशी उपयोग है। जैव उर्वरक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें जब बीज पादप की सतह हों या मृदा पर छोड़ा जाता है तो ये राइजोस्फीयर या पादप के अग्रभाग में बस्ती बना लेते हैं तथा परपोषी पादप के लिए प्राथमिक पोषकों की आपूर्ति या उपलब्धता को बढ़ाकर वृद्धि का संवर्धन करते हैं। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा कवक यानी माइकोराइजा जीवों के तीन समूह हैं जिनका उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है।